नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वेस। आज नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने MBPG कॉलेज और लक्ष्मी शिशु मंदिर में वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया। वैक्सीन सेंटरों के काफ़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान समर्पण भाव से काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सांसद ने शाबाशी दी और उनके समर्पण की तारीफ की। सांसद ने कहा कि आज से देश में 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हर व्यक्ति का निःशुल्क टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जीवन सुरक्षा के लिए और कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है, अफवाहों पर ध्यान न दें। टीकाकरण के बाद भी कोविड नियमों का पूरा पालन करें। अजय भट्ट ने कहा कि वैक्सीन अभियान के इस चरण में सबसे बड़ा लाभ गरीबों, मध्यम वर्ग के देश और देश के युवाओं का होगा। हम सभी वैक्सीन लगवाएंगे और मिलकर कोरोना को हराएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए ज़रूरी है कि अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं और बाकी लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें। तो अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी के टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी लोगों से ये आह्वान किया कि अपनी बारी आने पर वो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जे जे न्यूज़। नमस्कार।